याद रखिए बाबू, गरीब ही धर्म, अमीरों का एक अलग धर्म। आप चाहे जिस धर्म में रहेंगे, अमीर रहेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगा, गरीब रहेंगे तो आप ही के धर्म जात वाला कूच के चल जाएगा। आजादी के बाद बहुत कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो नहीं होनी चाहिए। आजादी के बाद कुछ ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लाइन से गिनवाते हैं, 1984 में बेचारे सिखों के साथ बहुत अत्याचार हुआ, 1984 का सिख दंगा। 1996 में ना जो हुआ था, 90 मतलब ये तो पूरा कश्मीर में तो 96 के दशक का पूरा कश्मीर, 1996 के दशक का कश्मीर एक लंबा पीरियड था कश्मीर का, ये 90 से 96 तक चला था, मतलब मेनली 96 में अपना विकराल रूप ले लिया था। और 2002 का गुजरात दंगा, ये अहमदाबाद में, ये बहुत खराब, किसी भी सभ्य समाज में ये शोभनीय नहीं है। किसी को लगता है 1984 में बेचारे सिखों के साथ हो गया। इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई तो जो सिख भाई थे इन लोग के साथ बहुत भयानक दंगे हुए। इसमें जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, और यहां पे अहमदाबाद में ये भयानक दंगे हो गए थे यहां पे। अब अहमदाबाद के दंगे का कारण क्या था, तो यहां गोधरा में एक ट्रेन थी साबरमती एक्सप्रेस, उस ट्रेन की एक बोगी में आग लगी। अब यहां पे हुआ, आग लगाया गया, क्या हुआ ये तो पुलिस का काम होता है जांच करना। अब आपको पता है भारत की पुलिस कितना अच्छा से जांच करेगी, एक कमीशन ने कहती है कि लगी है, कहती है लगाई गई, इसके चक्कर में हो गया सांप्रदायिक तनाव, क्योंकि मरने वाले ज्यादा उसमें कार सेवक थे, जो कार सेवक अपना साधु संत होते हैं। अब इसके विरोध में क्या हुआ, अहमदाबाद में भीषण नरसंहार हो गया, बहुत सारे दंगे फसाद, बहुत सारे लोग मारे गए, घर जले गए, और इसमें मरने वाले मजदूर थे, प्रवासी मजदूर कहीं से। याद रखिए बाबू, गरीब ही धर्म, अमीरों का एक अलग धर्म। आप चाहे जिस धर्म में रहेंगे, अमीर रहेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगा, गरीब रहेंगे तो आप ही के धर्म जात वाला कूच के चल जाएगा। यहाँ अभी मरे लोग बहुत भयानक, देखिए 1984 में सिख दंगे हो गए, 96 में जम्मू कश्मीर वाला हो गया, 2002, ये कोई एक सभ्य देश में ये अच्छी चीजें नहीं होती है। यहाँ पे चाहे वो 84 का हो, 96 का हो या 2002 का, ये आज के समय में ये एक सभ्य समाज कभी भी इसकी कल्पना नहीं करता है, ये गलत बात है। चाहे जो भी मरे यहाँ पे कश्मीर में, देखिए अच्छा इसमें समस्या क्या है, समस्या में देखिएगा 1984 में जो सिखों के साथ हुआ इसकी आवाज कौन उठाता है, केवल सिख, सबको उठाना चाहिए ना। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की आवाज कौन उठाता है, केवल हिंदू लोग, कश्मीरी पंडित के लिए सबको उठाना चाहिए भैया। गुजरात में अहमदाबाद में कौन उठाएंगे, मुस्लिम लोग, सबको उठाओ, सब एक दूसरे के लिए खड़े रहो, कोई नहीं लड़ा पाएगा। लेकिन जब जब केवल हम लोग अपने लिए खड़े रहेंगे तब तक एक दूसरे के लिए लड़ते रहेंगे। तो इसलिए जाति धर्म से ऊपर उठिए। अब ये समाज, अब देश, अब आपसे, अब उस माहौल में नहीं रहे हम लोग, अब देश को कुछ करने की जरूरत है, एक होकर रहने की जरूरत, ठीक है। खैर ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतिहास में हो गई हैं, तो इतिहास में हुए घटनाओं को हम मिटा नहीं सकते, लेकिन हम इतिहास की इन घटनाओं से प्रेरित हो सकते हैं और एक लेसन सीख सकते हैं कि आने वाले आगे वाले समय में हम एक दूसरे को एक हिंदुस्तानी के तौर पर देखें, न कि किसी पंडित के हिसाब से, ना सिख के हिसाब से, ना मुस्लिम के हिसाब से। समझ में आ गया कि नहीं, ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। अब यहां ट्रेन जली, जलाई गई, रिपोर्ट आना चाहिए, पुलिस को रिस्पॉन्स करना चाहिए बहुत तेज से, बाकी सारी चीजें अब ऐतिहासिक होती है। साबरमती ट्रेन वहां पे जला दी गई थी, कहां पर, गोधरा में, और इसके कारण यहां पे बहुत भीषण क्या हो गया था, दंगा हो गया था। उस समय मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी थे, बहुत ज्यादा उन पे ये लंबा ट्रायल चला था ये सब चीजों पे, अमेरिका ने वीजा वगैरह तक नहीं दिया था, ये सब मामला बड़ा आगे जाके फिर पॉलिटिकल हो गया ये सब चीजों में। समझ में आएगी ना, न्याय मिलता किसको है यार। तो यहाँ गुजरात दंगे में मरने वाले लोग मजदूर कैटेगरी के लोग थे, यहाँ बेचारे कश्मीरी पंडित शांति से पूजा करने वाले लोग, यहाँ सिख बेचारे व्यापारी उनको मार दिया गया, इनको न्याय, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल गया, हाँ सुशांत सिंह राजपूत के साथ तो पूरी दुनिया खड़ी थी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। आगे बढ़े,